प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से पिछला भाग एक आपको भेज दिया गया था। भाग नंबर दो प्रारंभ करते हैं। समाज शास्त्र का परिचय। समाज शास्त्र के बारे में पिछली बार बताया था कि सामाजिक संबंधों का जाल है। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। समाज शास्त्र का परिचय। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान अगर हम बात करें, पिछले साल आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, इसे हम SHT भी कहते हैं। ये एक सामाजिक विज्ञान है, समाज की जानकारी देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज जिसका क्या है मुख्य उद्देश्य समाज की संरचना, सामाजिक संरचना का अध्ययन कराना है। ये जो समाज है जो कैसे बना है, इसकी संरचना कराने का काम करता है समाज शास्त्र। किस तरीके का ये समाज है, किस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, ये सारी बातें इस समाज शास्त्र के अंदर बताई जाती हैं। सामाजिक संबंधों के ताने बाने से, सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बने समाज की अपनी अलग अलग पहचान है। ये अपनी अलग पहचान है। प्रत्येक समाज का अपना अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, प्रतिमान, अपना मूल्य, ये सारी अपनी होती है समाज की। समाज शास्त्र उन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन कराता है। समाज शास्त्र की अगर हम परिभाषा कहें, समाज शास्त्र का अर्थ कहें, इस लाइन को अगर हम अंडरलाइन कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। समाज शास्त्र उन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन कराता है। जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनका सबका अध्ययन कराने का काम कौन करता है, समाज शास्त्र करता है। मनुष्य ने सर्वदा उन समाज को देखा है तथा समझा है जिसमें वह रहता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, आपने वही समाज देखा है जिसमें आप सब रहते हो। यह सब विभिन्न कालखंडों की रचनाओं तथा विचारों को जानने के बाद व्यक्ति जान पाता है। जब उसमें रहता है, उसके बीच उठता है, बैठता है, तब वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो कालखंड है, उनके जो नियम कानून है, वो सब बातों को समझने का प्रयास करता है। हम दैनिक जीवन से जुड़े हुए पहलू पर विचार करते हैं, जो प्रतिदिन रोज जो हमारे साथ घटती हैं घटनाएं, जो भी हम काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, उन पर विचार करते हैं। समाज और दूसरे समाज की चिंता करते हैं। यही धारणाएं हमारी बौद्धिक समझ के रूप में जीवन ग्रहण करती हैं। जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, वहाँ समझते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, यही हमारी बौद्धिक समझ दर्शाती है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का यह एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण तथा विचार दार्शनिक एवं बौद्धिक चिंतन से पृथक हो सकता है। अगर हम समाजशास्त्र के रूप में देखें तो समाज के बारे में ये अलग हो सकता है, इसके विचार अलग होते हैं, दार्शनिकता अलग होती है, उसके सिद्धांत अलग होते हैं, उसकी चिंतन अलग हो सकता है। अगर हम मानवता के आधार पर देखें, मानव व्यवहार में देखें, तो नैतिक अनैतिक हो सकता है, वैध अवैध हो सकता है, सही गलत हो सकता है, वांछित अवांछित हो सकता है। ये आदि प्रवृत्तियों का विवेचना समाज के सापेक्ष दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों से अलग है। इसके बाद समाजशास्त्र की मानकों एवं मूल्यों के प्रति सजग है। यह इस विषय का सरोकार से जुड़ा है। अभी क्वेश्चन आता है कि इस विषय का सरोकार क्या है। कहते हैं समाजशास्त्र भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति सजग है, सापेक्ष दर्शना दार्शनिक है, धार्मिक सरोकार है आदि, उसे इसे सरोकार से जोड़ा गया है। इस प्रकार से समाज के अनुभव तथा अध्ययन समाजशास्त्रीय कार्यों को महत्वपूर्ण करता है। इसके बाद इसमें यह खंडित नहीं होता कि समाज के मूल्यों के प्रति समाजशास्त्रियों का सरोकार है। इसका अर्थ यह है कि जब एक समाजशास्त्री किसी समाज का अध्ययन करता है, तब उन सभी जानकारियों को संग्रह उसके लिए जरूरी होता है। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, जो निजी पसंद हो या नहीं हो। इसके बाद ये स्पष्ट करते हैं, पीटर बर्जर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है कि किसी राजनीतिक अथवा सैन्य संघर्ष में जासूसी तंत्र द्वारा विरोधियों की सूचना को प्राप्त करना लाभदायक होता है। इसका कारण यह है कि जासूसी तंत्र की सूचनाएँ पूर्वाग्रह से युक्त होती हैं। पूर्व क्या ग्रह का मतलब होता है, जो पहले से प्राप्त की गई जानकारी है। यदि कोई सूचना जासूस अपनी रिपोर्टिंग में अपने अधिकारियों की विचारधारा के अनुरूप करता है, तो यह उसकी रिपोर्ट उसके पक्ष के लिए अनुपयोगी हो जाती है। इसका लाभ विरोधी पक्ष के लिए हानिकारक होता है।
क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी के लिए जासूसी का काम किया और उन्हें वो जासूसी अपने अधिकारी को काम करके सही तरीके से तो उसके लाभ करेगी, पर दूसरा व्यक्ति जिसकी जासूसी की गई है उसके लिए वो हानिकारक हो जाएगी, क्योंकि वह उस रिपोर्ट के को हत्याने के लिए अपनी ताकत लगा देगा। अब ऐसे में दोनों के एक दूसरे के विचारों में भिन्नता आएगी और एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। एक समाजशास्त्री भी ऐसा ही एक जासूस है। उसका काम किसी निजी निश्चित क्षेत्र से अधिक क्षेत्रों की शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना होता है। जो समाजशास्त्री होते हैं बच्चों, वो भी यही काम करते हैं जासूसी का। वो क्या करते हैं कि वो अपने माध्यम से, उसका काम किसी क्षेत्र में अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना होता है, समाज की सही जानकारी इकट्ठी करना होता है जितना वह कर सकता है। क्या, अगर हम बात करें इसके बाद, क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है? क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि समाजशास्त्री अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा कार्य के प्रति कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, या कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसके लिए समाजशास्त्री जानकारी जुटाई जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी समाज के एक नागरिक की है। जो समाजशास्त्री लोग समझते हैं कि वो जिम्मेदारी उसकी नहीं है जितनी नागरिक की है उतनी ही उनकी है, किंतु यह समाजशास्त्री पूछताछ नहीं है, जीव विज्ञान की तरह जैविक ज्ञान है। इसका उपयोग स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए किया जा सकता है। जीव वैज्ञानिक इस बात से मुक्त नहीं हो सकता कि वह उस कार्य से मुक्त हो जो उसके लिए तय किया गया हो। यह एक जैविक प्रश्न है, जैविकीय प्रश्न है। कहते हैं समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान मानता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, जो समाजशास्त्र है वो अपने आरंभिक काल से स्वयं से अपने को अपने आप को विज्ञान मानता है, साइंस मानता है। यह प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षण या दार्शनिक अनुचिंतन को तथा ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्य विधि से बंधा है। इसका अर्थ है कि जिन कथनों पर वह समाजशास्त्री पहुंचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षण द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए। सही तरीके से उनका निरीक्षण परीक्षण किया होना चाहिए, तभी वो अपने साक्ष्य पर पहुंच सकता है जिससे व्यक्ति उनकी जांच कर सके। समाजशास्त्र में प्रकृति विज्ञान, मानव विज्ञान के अंतर तथा परिणामात्मक और गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। कई बार इसके ऊपर इन दोनों के इन सारी बातों को लेकर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। फिर कहते हैं महत्वपूर्ण यह है कि समाजशास्त्र अपने प्रेक्षण और विश्लेषण पर में कुछ निश्चित नियमों का पालन भी करता है। भाई जब कोई चीज़ भी काम समाजशास्त्र कुछ किसी भी काम करने को लगता है तो वो प्रेक्षण और विश्लेषण यानी पूरी तरीके से उस बात को जानने का प्रयास करता है, उसके बाद ही अपनी अपनी उस जांच पर वो पूरी कर पाता है। पेज नंबर अगले पर चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, हम समाजशास्त्री ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करेंगे, जो एक बार पुनः इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस प्रकार समाज का प्रेक्षण करता है, समाज की जानकारी करता है, उसमें पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रिया और नियमों का कितना महत्व होता है। सारी बातों को, जो भी चीज़ें हम जब समाज के बारे में जानते हैं तो उसकी भूमिका देखी जाती है, उसकी प्रक्रिया देखी जाती है, उसके नियम देखे जाते हैं, उसके बाद उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतर का विस्तृत वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है इसका। समाजशास्त्री उपागम एवं पद्धति के बारे में स्पष्ट विचार देने में सहायक है, यानी ये ऐसी पद्धति को अपनाता है जिसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, तभी वो अपने विचारों को रखता है। स्वयं की जांच के लिए कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और हर पेज में दिए होते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। कहते हैं समाजशास्त्र प्रकृति विज्ञान तथा मानव विज्ञान का अंतर किस प्रकार देखता है। आपने भी पीछे पीछे वाली पेज पे पढ़ा कि समाजशास्त्र प्रकृति वैज्ञानिक है, वो अपना आपको विज्ञान मानता है और मानव विज्ञान के रूप में अपना काम करने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की। इसकी बात करते हैं बच्चों, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की। इसमें क्या कहा जाता है, क्रियाकलाप पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 3, गरीब, एक उदाहरण नीचे दिया गया गरीबी का, जिसमें गृहहीन व्यक्तियों वाली चर्चा का उल्लेख है। आप अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा कीजिए कि प्रकृतिवादी और साम्राज्यवादी तरीके कैसे वर्णित किए जा सकते हैं। दो तरीके होते हैं, प्रकृतिवादी और साम्राज्यवादी तरीके से किसी गरीब के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है इसमें, फिर आते हैं इसी पर। हम देख चुके हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान दार्शनिक यानी पूरा सोच समझ के प्रेक्षण पर पृथक है। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षण से अलग भी है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होता है
जिन्हें प्रकृतिवादी तथा व्यक्तिवादी संबंधित कह सकते हैं। प्रकृतिवादी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं या स्वयं किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद व्यवहार का प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति व्यवहार के प्रति प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। वस्तुतः समाजशास्त्र सामान्य वैदिक प्रेषण एवं वैचारिक तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों से भी अलग है। बच्चों आप भी जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो अलग है, बिल्कुल उसके अपने अपने विचार हैं, अलग तरीके से अपना काम करता है और दार्शनिक रूप से वो अलग अलग विचार भी रखता है। यह चमत्कारपूर्ण परिणाम नहीं देता। असंग्ध संपर्क तथा केवल सामान्य संपर्क की जांच कर पहुंचा जा सकता है। ये असंग्ध लोगों के संपर्क में आकर, जैसे लोग हैं जिनके बारे में शक होता है, ऐसे लोगों के संपर्क में आकर अपनी बातों को पूरा जांच भी कर सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान में अत्यधिक प्रगति हुई है। यह प्रगति सामान्य परिस्थिति के अनुरूप हुई है, जबकि किसी भी कभी कभार नाटकीय रूप से भी इसका उद्भव हुआ है। नाटक के रूप में भी बहुत सारी बातें रखी जाती हैं। नाटक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सबको आसानी से समझ में आ जाता है। समाजवाद में संकल्पनाओं, आंकड़ों एवं पद्धतियों का पूरा तंत्र है। ये पूरा एक चिट्ठा है, एक जाल है, पूरी तरीके से इसमें उलझा हुआ है। इस तरीके से इसके माध्यम से एक तंत्र तैयार किया होता है, उसमें ये पूरा एक प्रक्रिया है। यह उसके संयोजन पर आधारित नहीं है, यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रेरित नहीं है। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह उद्गम पर सवाल नहीं उठाता। समाजशास्त्री कभी भी यह प्रश्न नहीं करता, समाजशास्त्री ये कभी भी प्रश्न नहीं करते कि मैं यह विश्वास क्यों रखूं कि समाजशास्त्री को स्वयं से यह सवाल पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा है। कभी भी आपने देखा होगा समाजशास्त्र कभी भी किसी से कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है या किसी की बात पर कभी भी विश्वास वो नहीं करता है। वो पहले तथ्यों पर जाता है, विचार विमर्श करता है, पूरी जानकारी लेता है, तब वो अपनी बातों को पूरी तरीके से सामने लाता है। एक गरीब की व्याख्या जो कोई आपने क्रियाकलाप पॉइंट 3 में देखा था कि एक गरीब की क्या पहचान हो सकती है। दो प्रकार से व्यक्ति गरीब के बारे में कहा गया है, एक प्रकृतिवादी है, नंबर 1 प्रकृतिवादी और नंबर 2 समाजशास्त्री नज़र में। कहते हैं लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं। बच्चों आज इस बात को समझना है, गरीब लोग कौन हैं जो काम से जी चुराते हैं। समस्याग्रस्त परिवार में आते हैं, परिवार का उचित बजट तैयार करने में अयोग्य हैं, वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते, अपने बजट को तैयार नहीं कर पाते। बुद्धिमत्ता की कमी है, यानी ज्ञान की कमी है, तथा कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। अब भाई मान लीजिए हमें नौकरी करनी है, नौकरी करने के लिए हमें किसी स्थान को बदलना पड़े या हमें वहाँ से जाना पड़े, वो दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी करना पड़े, तो करना चाहिए। यही सारी कमी के कारण ये प्रकृतिवादी की नज़रों में इस तरीके से वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। अब अगर हम समाजशास्त्रीय तरीके से बात करें, वो क्या कहते हैं, समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता का संरचना है। समाजशास्त्री क्या मानते हैं, समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज के अंदर जो वर्ग हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या आपका मध्यम वर्ग, इनमें असमानता है। ये लोग एक दूसरे से प्रति पृथक अलग अलग हैं और वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता, दीर्घकालीन एवं मजदूरी कम है। आप भी देखते हैं कि मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग का कार्य अलग होता है, निम्न वर्ग का कार्य अलग होता है। इस तरीके से इनमें एक दूसरे में भेदभाव पाया जाता है और जब भी ये इसी कारण ये समाज के अंदर क्या है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं रख पाते और एक दूसरे से मिलकर काम नहीं कर पाते। ये भी एक मैन गरीबी का कारण भी है। अगर हम बात करें आगे संदिग्ध संपर्क क्या होता है, अभी पीछे आ रहा था। कहते हैं अधिकांश समाज में जिस भारतीय समाज भी शामिल है, उत्तराधिकारी के सिद्धांतों में पिता से पुत्र का वंशावृत अधिकार प्राप्त होता है। इससे पितरात्मक समाज व्यवस्था कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पितरात्मक समाज व्यवस्था किसे कहते हैं, तो कहते हैं अधिकांश समाज में जिन भारतीय समाज शामिल है, उत्तराधिकारी के सिद्धांत में पिता से पुत्र को वंशानुगत अधिकार प्राप्त होते हैं, इसे पितरात्मक समाज व्यवस्था कहते हैं। इसके अध्ययन में इसके इसमें ध्यान में रखते हुए महिलाओं की संपत्ति का अधिकार भी प्रवृत्ति क्षीण है। भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि भारतीय सेना के शहीद होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि उनकी विधवाओं को मिलनी चाहिए, इसलिए अब पितरात्मक के साथ मात्रात्मक भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने निर्णय भी अवांछित परिणामों का अनुरूप ही नहीं किया गया। सरकार ने इस निर्णय के बाद बहुत सी विधवाओं को अपने देवर के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया है।
कई मामलों में देवर अल्पायु में तथा भावी सैन्य की विधवा के अधिक आयु हो जाती है। इस कारण प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के कारण क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक के परिवार में ही रहे। क्या आप ऐसी अवांछनीय परिणाम वाली सामाजिक कार्य को शासनीय फैसले के बारे में जानते हैं? क्या आप इस परिवार के इस बारे में या इस समस्या के बारे में जानते हैं? ऐसे संदिग्ध संपर्क के बारे में इस प्रकार से कहा गया। पेज नंबर आगे चलते हैं, बहुत ही आगे चैप्टर के माध्यम से कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र में दोनों ही उपागम व्यवस्था तथा प्रश्न करने योग्य वैज्ञानिक खोज की विस्तृत परंपरा से मिल निकलते हैं। कहते हैं समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित तथा प्रश्न करने योग्य वैज्ञानिक खोज की विस्तृत परंपरा से निकलते हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की ओर लौटे, अतीत मतलब होता है पीछे की तरफ चले, समय की सामाजिक परिस्थिति को समझने का प्रयास करें जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ है। अगर हम सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पहले पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से ये संभव है, बिना उस किसी चीज़ के ये संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान में विकास का समाजशास्त्र का गहरा प्रभाव हुआ है। इसलिए संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र की संरचना बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक रही है। समाजशास्त्र में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक रही है भी अब जानने का प्रयास करते हैं। वैचारिक बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। औपनिवेशिक प्रशासकों ने समाज के वर्गीकरण के स्तर को विभिन्न स्तर को पहचानने के लिए समाजशास्त्र में सामाजिक मानव वैज्ञानिक के दृष्टिकोण को अपनाया है। वे प्रकृति विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा प्राचीन काल से आए हुए यात्रियों के विवरण को अनेक विवरण तथा उनके द्वारा खोजे गए समाज पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित है। बहुत सारी सभ्यताएं थी हमारी, मेसोपोटामिया की थी, चीनी थी, ये सारी क्या थी हमारी, बहुत सारी सभ्यताएं उन्होंने पीछे प्राचीन काल में देखी थी, उनके आधार पर समाज के निर्माण को देखते हैं। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्री ने अगस्त कोम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्मन स्पेन के विचार पर चिंतनों से दृष्टिगोचर होता है। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री में चाहे अगस्त कोम्टे हैं, इस तरीके से कार्ल मार्क्स आदि वगैरह ने अपनी बातों को रखा है, उन सिद्धांतों पर आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आधुनिक काल में से पूर्व का समाज, पूर्व आधुनिक सभ्यता इस प्रकार का शिकारी टोलियाँ, संग्रहकर्ता, चारावाहा एवं कृषक एवं गैर आधुनिक सभ्यता है। ये सब क्या थे, आधुनिक काल में सारी चीज़ें हुआ करती थी, लोग शिकार एक साथ मिलकर टोली के साथ किया करते थे और अपना किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रखते थे, गाय पशुओं को चराया करते थे। अब आधुनिक समाज जैसे औद्योगिकृत समाज है, आजकल सभी देखते हैं नौकरी पर, व्यवसाय पर, काम पर इस तरीके से लोग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, इस प्रकार से क्रमिक विकास के चिंतन में माना गया है कि पाश्चात्य विश्व अनिवार्य रूप से अधिक प्रगतिशील तथा सभ्य था, प्रचुर समाज की अशिष्ट तथा कम विकसित माना गया है। भारतीय उपनिवेशिक अनुभव को भी यह इस रूप से देखा गया है। भारतीय समाज में यह भी तनाव देखा गया है कि अंग्रेजी उपनिवेश के दौर पर बुद्धिजीवी और सैद्धांतिकवादी प्रवृत्तियां का विकास इसका जवाब है। इसी पृष्ठभूमि से भारतीय समाजशास्त्र विचारशील रहा है तथा इसके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आपने देखो कि पाश्चात्य जो विश्व था, पहले का जो हमारा संसार था या पूरा वो था, वो उपनिवेशवाद के आधार पर, भारतीय उपनिवेश के आधार पर, अंग्रेजों के उपनिवेश के आधार पर, बुद्धिजीवियों के आधार पर बिल्कुल अलग था, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग दिखाई देता था। इसके बाद डरविन के आगे कहते हैं, डरविन के जीवन विकास विचार पर आरंभिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित प्रभाव है, अत्यधिक प्राय प्रभाव है। समाज की तुलना प्रायः सजीव जैववाद से ही की जाती है। क्रमबद्ध विकास के चरण में तलाशने का प्रयास किया गया है। समाज को व्यवस्थित के हिस्से के रूप में देखने पर सामाजिक समस्याओं के स्थिरीकरण के अध्ययन को अत्यधिक प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इस चर्चा का कारण बौद्धिक विचारों अनुभवी वास्तविकता का अध्ययन करता है। आगे बात करते हैं, इसमें जिस समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप दत्ते बौद्धिक विचार और अनुभव वास्तविकता का अध्ययन कराता है। जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के या अपने दिमाग से किसी भी काम को करने का काम करते हैं तो ये एक वास्तविकता निकल के आती है, और वास्तविकता को ही आधार देता है कौन, उसे महत्वपूर्ण भूमिका देता है कौन, समाजशास्त्र।
ज्ञानोदय बौद्धिक आंदोलन, ये ज्ञानोदय बौद्धिक का 17वीं शताब्दी में एक आंदोलन हुआ था जिसे हम ज्ञानोदय आंदोलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ज्ञानोदय बौद्धिक आंदोलन नाम इसका दूसरा था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के अंत में ये वर्षों तक चला, 18वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। यह व्यक्तिवाद पर बल दिया गया, इसमें व्यक्तिवादी चीज़ों पर बल दिया गया। उस समय वैज्ञानिक चिंतन का उन्नत अवस्था में था, यानी जो वैज्ञानिक चिंतन था वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था। यह दृढ़ विश्वास सामने आया कि प्रकृति विज्ञान विज्ञानों की पद्धति मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञानों के माध्यम से ही मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, गरीब एक प्रकृति प्रक्रिया है। अभी मैं पीछे बात करता प्रकृतिवादी जो बात कर रहा था, उस समय सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ किया गया जो मानवीय शोषण और उपेक्षा का परिणाम है। उपेक्षा मतलब उसे कुछ नहीं समझना, छोड़ देना। गरीब को समझना और उसका निराकरण करना संभव है, इसलिए इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण कर मानवीय प्रक्रिया का आंका जा सकता है तथा इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आधुनिक काल में प्रारंभिक विचार इस बात पर सहमत थे कि ज्ञान में बुद्धि से भी सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। ज्ञान में, ज्ञान से कहेंगे अगर हम, बुद्धि की सभी समस्याओं का, सामाजिक बुराइयों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। बच्चों, अगर ज्ञान है, विज्ञान है, जानकारी है, उसके माध्यम से ही उस बुराई को समाप्त किया जा सकता है। और बुराई कौन सी है? सामाजिक बुराई। फिर कहते हैं फ्रांसीसी विद्वान है आपके अगस्त कोमते, 1789-1857 के बीच में, जिन्होंने समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। बच्चों, मैंने अभी क्या कहा, समाजशास्त्र के संस्थापक का नाम क्या है? अगस्त कोमते। यह विश्वास है कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करता है। समाजशास्त्र क्या है? मानव समाज के कल्याण में अपना पूरा योगदान करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं भौतिक बुद्धि, जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका रही है। इससे पहले वैचारिक विचारधारा थी, अब है भौतिक बुद्धि। औद्योगिक क्रांति का समय गतिशील आर्थिक क्रिया का कलापों से अलग था। इस समय की बात करें हम, औद्योगिक क्रांति, इसे आधुनिक क्रांति भी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं, मशीन युग भी कहते हैं आदि के नाम से इसे आप सभी जानते हैं। ये गतिशील आर्थिक क्रियाओं में से एक था जिसे पूंजीवादी काल भी कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं जैसी मशीन युग आया, औद्योगिकरण हुआ, उसमें बहुत सारी नई नई मशीनें आई, इसमें बहुत लोगों ने पैसा कमाया। औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था की शक्ति कार्य कर रही थी। उद्यमी अपने निश्चित मुनाफे की आस्था से प्रेरित थे। जो काम करने वाले लोग थे, जो ना वो अपने को पैसा मुनाफा कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। पूंजीवादियों में नई नई संस्थाओं का, प्रवृत्तियों का सृजन हुआ। बाजार के उत्पादनकारी जीवन की सक्रियता प्रदान मिली। माल, सेवा, श्रम, वस्तु, तार्किक गणना का निर्धारण करने वाली अभिवृत्ति बन गई। नई अर्थव्यवस्था पुरातन अर्थव्यवस्था में एकदम भिन्न थी। नई अर्थव्यवस्था बनी वो पुरानी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि औद्योगिकरण के आने पे बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने, इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति, इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन की आधारशिला स्थापित की गई। औद्योगिकरण से पूर्व ब्रिटेन में अंग्रेजों का मुख्य पेशी खेती तथा वस्त्रों का निर्माण था। अधिकांश लोग भारतीय गांव की तरह ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते थे। आप सभी जानते हैं गांव में बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। ये चित्र आप देख लो, किस तरीके के गांव के चित्र हैं, किस तरीके के कामकार वाले लोग हैं। अब आस पड़ोस के कामकाजी वर्ग को लेकर गंदी बस्तियों तक का चित्र देखिए। भारतीय गांव की तरह ही ब्रिटेन में भी भूस्वामी लोहार, भारतीय गांव की तरह ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, ब्रिटेन के देश के अंदर भी भूस्वामी, लोहार, चमड़ा श्रमिक, जुलाई एवं कुम्हार, चारावा, मद्य निर्माता थे। इसके साथ छोटा एवं स्त्रीकरण था। विभिन्न लोगों के परिस्थितियाँ उनके वर्गीय स्थित रूप से स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं। उनकी परिस्थिति, उनकी वर्गीय स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। परंपरागत समाज की तरह उनके भी निकटवर्तीय संबंध थे। औद्योगिकरण के साथ साथ समाज की सभी विशेषताएँ बदली गई थी। नई अर्थव्यवस्था का मूल पक्ष क्या था? श्रमिकों के प्रतिष्ठा का काम कम होना, जो श्रमिक थे उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान कम का काम होना था। शिल्प संघों का गांव तथा परिवारों के पृथक कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद रूढ़िवादी तथा परिवर्तनवादी दोनों तरह के चिंतन श्रमिकों की स्थिति तथा गिरावट
चिंतित थे। रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी जो लोग होते हैं, एक वो होते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा श्रेय देते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं, और एक वो लोग होते हैं उस चीज़ को नहीं मानते, उसे परिवर्तन लाने का प्रयास। दोनों के बीच में बहुत इस स्थिति में बहुत ही गिरावट हुआ, किंतु कुशल कारीगरों को स्थिति बेहतर हुई। जो कुशल कारीगर थे, जो किसी काम को करना जानते थे, उनकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर अच्छी हुई। नगरीय के अगर हम नगरीय केंद्र का विस्तार हुआ, जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो नगर हैं, शहर औद्योगिक क्रांति के पूर्व भी विद्यमान थे, किंतु औद्योगिकरण से उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। आप बच्चे जानते हैं, जब किसी शहर के अंदर कोई किसी फैक्ट्री या किसी का काम शुरू होता है, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उन्हें बहुत सारा रोजगार मिलता है, और धीरे धीरे नगरीकरण की व्यवस्था भी शुरू हो जाती है। यानी धीरे धीरे लोग अपने गाँव छोड़कर शहर की तरफ चलते हैं और नगर की स्थापना शुरू हो जाती है, नगर बसने शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्रियों के जीवन ने भीड़ भाड़ युक्त बस्तियों का निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। आप भी देखते हो, बहुत सारी फैक्ट्री जहाँ काम होती है वहाँ पर छोटी छोटी बस्ती भी होती है। गंदी और स्वच्छता से दूर मलिन बस्तियों को के रूप ग्रहण किया। इस प्रकार सामाजिक अंत्यक्रिया को सृजित किया गया। फिल्म हिंदी फिल्म के CID आगे 1956 में गीत में जिंदगी की भौतिक और अनुभवित पक्षों को शहरी जीवन के बारे में विसंगतियों के सामने रखा है, जो इस प्रकार कहते हैं। छोटा सा गीत उन्होंने रखा है, ए दिल है मुश्किल जीना, ए दिल है मुश्किल जीना, यहाँ जरा हटके जरा बचके। ये किसकी बात करें बच्चों? शहर की। ये है बम्बे मेरी जान, कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे ड्रामे, कहीं मोटर कहीं मील, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं नाम सो निशान। यानी कहते हैं नामो निशान तक नहीं मिलता है, इंसान का इंसान नहीं दिखाई देता है। क्यों? सब लोग काम में लगे हुए होते हैं, सब मेहनत करते हुए होते हैं, सब लोग एक दूसरे की भाग दौड़ में लगे होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर ऐसा गांव में नहीं मिलता है। अगले पेज पर चलते हैं। इस गाने का भावानुवाद यह है कि शहर में ज़िंदगी आसान नहीं है। पीछे बात कर रहा था कि शहर में ज़िंदगी आसान नहीं है, ये स्वयं को बचाकर चलना होगा, क्योंकि इस शहर में इंसानियत को पाना कठिन है। यहाँ लोग एक दूसरे के गले काटते हैं तथा व्यापार करते हैं। यहाँ एक काम को कई नाम दिए गए हैं। अंग्रेजी कारखाने ने भारत के दस्तकारों को बेजार कर दिया है। विकसित भारतीय दस्तकारों की प्रतिस्पर्धा कारखानों में बने माल से भी हुई है, और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग कम होती गई है। दस्तकारों ने जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया है। अब क्या होता है बच्चों, जब फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियाँ लगती चली जाती हैं, व्यवसाय व्यवसाय लोग करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का नुकसान जरूर होता चला जाता है। इसके बाद कहते हैं, कारखानों और उनके यंत्रों ने श्रम विभाजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है। कारखानों को एक कठोर आर्थिक नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है, जो बैरक एवं जेल की तरह है। जेल देखे होंगे आपने, जहाँ पर बहुत सारे जो गलत काम करने वाले होते हैं वो लोगों को जेल में डाला जाता है। इसमें किसानों के दस्तकारों के साथ स्थानीय समुदाय को समाप्त करने का भी प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने कारखाने में दमनकारी माना गया, फिर भी काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्यप्रणाली एवं संगठित दोनों का प्रयास किया। इस प्रकार से सारी प्रक्रिया इन्होंने अपनाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें क्रियाकलाप 4, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामीण समाज की शहरी समाज का रूपांतर कितनी तीव्रता से हुआ है। भारत में इस प्रक्रिया का क्या स्वरूप था? 1810 में 20% जनसंख्या कस्बे से शहर में रहती थी, 1910 में 80% जनसंख्या कस्बे से शहर में रहने लगी। अब आप देखिए कि ये आंकड़े 1800 यानी 100 साल में कम से कम 60% लोग बढ़े हैं शहरों की तरफ। इस तरीके से ये किसके कारण हुआ? औद्योगिकरण के कारण। आगे बढ़ते, नए समाज को उभरने पर एक संकेत घड़ी के अनुसार सामाजिक संगठनों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इसका महत्वपूर्ण पक्ष था, वह तरीका था 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतीहर तथा औद्योगिक श्रमिकों ने स्वयं को घड़ी तथा कैलेंडर के अनुरूप ढालना आरंभ कर दिया। लोग अपने काम को अपने तरीके से, अपने टाइम के अनुसार, अपने कैलेंडर के अनुसार तारीख वाइज काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे उस समय आरंभ हुए जब 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी का आगमन हुआ। ऐसे कई मुद्दे उस समय भी उठते थे जब नगरीकरण, कारखानों के उत्पादन सभी समाजों के प्रासंगिक थे।
यद्यपि उनकी प्रवृत्ति भिन्न नहीं थी, भारतीय समाज अपने उपनिवेश अतीत और विविधताओं के कारण भिन्न थे। भारत का सामाजिक समाजशास्त्र इन्हीं प्रवृत्तियों से संचालित है। भारतीय जो समाजशास्त्र था वो इन्हीं सारी बातों को जानने का काम कर रहा था। औद्योगिक क्रांति के आरंभ में युगों के यूरोप में ध्यान केंद्रित किया कीजिए। जब औद्योगिक क्रांति आई तो यूरोप में ध्यान केंद्रित करना होगा। उस दौर को समझना क्यों प्रासंगिक है? जवाब आसान है। भारतीय होने के नाते हमारे अंग्रेजी पूंजीवादी उपनिवेशवादी इतिहास से गहरा संबंध है। पश्चिमी पूंजीवादियों विश्वव्यापी विस्तार प्राप्त किया गया। नीचे दिए गए उदाहरण पर स्पष्ट होगा कि पश्चिमी पूंजीवादी ने विश्व को प्रभावित किया है। अगले पेज के माध्यम से देखते हैं इस तरीके से इसका रूपांतरण किया। पूंजीवादियों द्वारा वैश्विक तौर पर समाज का असमान रूपांतरण। 24,000 करोड़ अफ्रीकी लोगों ने 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच गुलाम बनाया गया था, जिसमें 11,000 करोड़ अमेरिका यात्री तक जीवित 11,000 करोड़ ही अमेरिकी यात्रा तक जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में देखने वाली जनता का बृहद आंदोलन में से एक था। उन्होंने अपनी जमीन और संस्कृति से अलग कर दिया गया। दुनिया भी भर की भयावह परिस्थिति में उन्हें भेज दिया गया। पूंजीवादी की सेवा के लिए गुलामों का उपयोग प्रत्यक्ष उदाहरण था। देखिए किस तरीके से 24,000 करोड़ लोग 17वीं और 19वीं शताब्दी में गुलाम बनाकर भेजे गए और 11,000 करोड़ों को अमेरिका तक यात्री जीवित रहे, बाकी यात्री बीच में ही मारे गए। 1800 ईस्वी के बंधुआ मजदूरों को जहाज़ों के भरकर दूरस्थ देशों में सूरीनाम, फिजीना, वेस्ट इंडीज इत्यादि भेजा गया। आप भी देखते हैं बंधुआ मजदूर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे ज़बरदस्ती बांध बूंद कर ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उनसे काम धाम कराया जाता है। उन्हें वस्त्र उद्योग, चीनी कारखानों में काम पर लगा दिया गया। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक P.S. Nayapar जिन्होंने साहित्य एवं नोबल पुरस्कार दिया गया, उन्होंने हजारों लोगों के वंशजों में से एक हैं जिन्हें अनजान जगह पर जबरदस्ती ले जाया गया और वहाँ कभी वापस आने के असमर्थ रहे और पीढ़ियों प्रवासी बन गए। देखिए वो जब वहाँ से ले जाए गए उन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया, उन्होंने अपनी बात को रखा है। आर के लक्ष्मण द्वारा मार्सिस की अपनी यात्रा का विवरण उन्होंने उपनिवेशवादी अतीत की वैश्विक अतीत पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी सारी बात एक रूप में कही है। वो कहते हैं उन्होंने अपना जो मॉरिशस उन्हें लेके जाया जा रहा था, यहाँ अफ्रीकी, चीनी, बिहारी, डच, फारसी, तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी एक साथ एक दूसरे से घुल मिलकर रहते थे। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका दक्षिण भारतीय सा चेहरा था तथा एक लुभावना नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदम, सचमुच मद्रास में से था। मैंने उससे तमिल भाषा में बात की, उसने मुझसे फ्रेंच मिश्रित अंग्रेजी में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। तमिल का ज्ञान गोविंदन को भी नहीं था किंतु उसका जिह्वा ने तमिल के उच्चारण को शताब्दी पूर्व बंद कर दिया था किंतु अब वे उससे पहचान रखता है। कहते हैं लक्ष्मण ने अपने 2003 में बात उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को रखा और अपने बारे में बताया कि एक मद्रास का व्यक्ति था, उसने अपने वहाँ जब उन्हें देखा लक्ष्मण ने उनसे आपस में संपर्क हुआ, एक दूसरे से बात करने का प्रयास किया, जब वो उन्होंने फ्रेंच भाषा बोली तो वो एक आश्चर्यचकित हो गए। अब कहते हैं इसी पेज पर कहा जाता है, अब लास्ट में आकर सारी बात समाप्त कर दी जाती है। अगला भाग यानी भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जल्दी ही प्रस्तुत की जाएगी। नमस्कार।